तो इसके पहले भी मैंने बनाया मिर्च और ये है टमेटो। तो आगे बने रहिए वीडियो में। नमस्कार है आप सभी को, आदाब और सत श्री अकाल भी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमाज ऑल इन वन चैनल में। तो होप है कि आप सब इस समय अच्छे ही होंगे। और बहुत गर्मी है, घर तो मैं आ चुकी हूँ, आपको बताया ही है पहले। बस आज दिन भर बहुत ही साफ़ सफाई का काम और कपड़े वगैरह मैंने धुले आज, सारे बैग वगैरह सारा हटा रही हूँ। और सामान भी आपको दिखा दूँगी आगे कि क्या क्या लेकर के आई हूँ मैं। साथ ही खाना मैंने बना लिया है, दाल वगैरह बना लिया है रात के लिए। दोपहर का तो पानी और मैंने कल का थोड़ा बहुत बचा हुआ था और एक सब्जी बना लिया और खा लिया है। रात के लिए मैं बना रही हूँ, आज है वेज। तो इसके पहले भी मैंने बनाया था, उसी को एक नए तरीके से बना रही हूँ। शायद सब भी बनाते होंगे, मैं बिल्कुल घरेलू खाना ही बना करके दिखाती हूँ जो सब लोग बनाते हैं। नॉर्मली बस वही बना रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो किचन में आ गई हूँ, मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ा लिया है और ये रेडी है। ये आज मैं बना रही हूँ तो रही की सब्ज़ी, इसके पहले भी मैंने बनाया था। गर्मियों में बहुत सीजनली है ये, गर्मियों में ही ज़्यादा आता है, पर आजकल तो मार्केट में ऑल डे ऑल मंथ ये मिल जाता है। तो इसकी तैयारी मैंने कर ली, आज इसे मैं बना रही हूँ चने दाल के साथ। तो इस चने दाल को मैंने पहले ही भिगो लिया है और यहाँ कुछ गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है मैंने, लहसुन, साथ ही यहाँ मैंने चॉप किया हुआ है ऑनियन है एक बड़ा साइज़ का, ये है 4 से 5 हरी मिर्च और ये है टमेटोज़। टमेटोज़ ग्रीन वाली है ये, अभी तो मार्केट में टमेटोज़ के जो रेट चल रही है। इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस पे और ऑयल भी डाल दिया है। बस गैस देखिए गरम हो ही चुका है, मुझे स्टार्ट करना है खाना बनाना। तो चलिए खाना मैं बना लेती हूँ, आगे की प्रोसेस आप लोग ऐसे देख सकते हैं। सोच रही हूँ कि आज थोड़ा नया ट्विस्ट देके बनाऊँ, तो बनाते हैं आगे का। सब्जी को मैं बना लूँ रात के। तो चलिए कढ़ाई में देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून मस्टर्ड और 1/2 टीस्पून क्यूमिन। तो दोनों मैंने 1/2 टीस्पून ही ऐड किया है और साथ ही 2 लाल मिर्च मैंने तोड़ करके इसमें डाल दिया है, सरसों और जीरा आपको नॉर्मल बता दूं। और जो मैंने लहसुन को गार्लिक को देखिए कट करके रखा हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको तेल में इस तरह से पहले डाल दिया है। और इधर साथ ही इस समय मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो जो कट करके मैंने रखा था, 1 बड़ा प्याज, 3-4 हरी मिर्चें हैं, दोनों को अच्छे से मैंने डाल दिया है और हमको अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर भून लेने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट आपको भून लेना है। उसके बाद जो हमने चने दाल को देखिए भिगो करके रखा है, 2 से 3 घंटे भिगोने पर ही ये आसानी से भीग जाते हैं और बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनको डाल करके मैंने चला दिया और ढक ढक कर इस तरह पका लूँगी। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, बट उतना सॉफ्ट वाला मैं आज नहीं बनाना चाहती। और इधर तब तक मैं अपने लिए चढ़ा लेती हूँ ग्रीन टी। मैं हमेशा से ही ग्रीन टी पीती थी, बट बीच में मैंने पीना बंद कर दिया था। अभी आज फिर मुझे पीने का मन हो रहा है तो बस बैठा लिया है। मेरे पास हमेशा ही अवेलेबल होता है ग्रीन टी, ये दिखाती हूँ आपको, ये वाली मैं लेती हूँ तो शाम के समय में मैं ले रही हूँ आज। वैसे गर्मी में पीने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने गर्मियों में छोड़ दिया था पीना ग्रीन टी और कोई भी चाय। वैसे मैं अभी मम्मी के यहाँ गई थी तो वहाँ तो पी ही रहे थे, तो आज बना लेती हूँ फिर से। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, तब तक इधर हम सब्जी को भी देख लेते हैं क्या हाल है सब्जी का। तो इसको हमको ढक्कन हटा हटा कर बीच बीच में चलाते रहना है ताकि प्याज भी भुन जाए, साथ ही जो दाल है हमारे वो भी थोड़े हल्के से पक जाएं। जब आपको लगे कि प्याज थोड़ा सा भुन चुका है ढक ढक कर इस तरह पकाने के बाद, इधर मेरी चाय भी देखिए साथ ही चढ़ी हुई है। मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है और साथ ही मुझे जिंजर का फ्लेवर पसंद है अदरक, तो मैंने थोड़े से कूट लिया है अदरक को और उसमें डाल दिया है, तब तक वो पकता रहेगा। और चीनी भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है, बिना चीनी के मैं नहीं लेती हूँ। इधर तब तक सब्ज़ी में हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऐड किया है
1 टीस्पून टर्मरिक का पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की है, और साथ ही तुरई को देखिए हमको इसी समय इसमें ऐड कर देना है। इसमें आपको एक भिंडी का टुकड़ा दिख रहा होगा, तो तुरई के साथ में भिंडी आ गई थी एक, तो मैंने उसे फेंका नहीं, इसी में कट करके मैंने डाल दिया है। बस अब मसालों के साथ अच्छे से सब्जी को मिला देना है, और साथ ही इसे ढक ढक कर हमको पका लेना है। तो इधर घर आ जाने के बाद हालत ये है पूरी, मैंने आज सारे कपड़े धो डाले, देख सकते हैं आप लोग घर का हाल। आप लोगों को लगता होगा कि कुछ पता ही नहीं चलता है, बट अभी देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल होता है। बस अब इसके बाद मैं इन सारे कपड़ों को फोल्ड करूंगी और जगह पे रखूंगी, खाना बना लूं पहले मैं, और उसके बाद मुझे इन कार्टून्स को भी ओपन करना है। क्या क्या है इसमें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। देखिएगा, मम्मी के यहाँ से आया हुआ सामान है और कुछ मैंने खुद परचेस किया है, तो आगे बने रहिए वीडियो में। बीच में आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जी आपको चलाते रहना है। और इधर चाय मेरी देखिए पक चुकी है, इस समय मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ग्रीन टी। ग्रीन टी के जो पत्ते हैं वो चम्मच जो है बहुत छोटी सी है, तो थोड़ा सा ही डालना होता है, और ज़्यादा देर हमको इसे बॉयल नहीं करना है। बस इसमें एक बार उबाल आ जाए उसके बाद इसे मैं छान लूँगी। तब तक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सब्ज़ी में टमेटोज़, ये ग्रीन वाले टमेटोज़ हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, और टमेटोज़ जल्दी से गल जाए उसके लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपको पसंद हो उस तरह से ले सकते हैं। और तब तक मैं चाय को छलनी से छान लेती हूँ कप में। और ये मैं हाफ नींबू यूज़ कर रही हूँ, नींबू बहुत महंगा था उस टाइम जब मैं आई थी, तो बस पहले से मेरे पास रखा हुआ था, तो थोड़ा सा ही उसमें मैंने नींबू ऐड किया। और साथ ही मैं टोस्ट और 2 बिस्किट ले लेती हूँ, सादा चाय मैं नहीं पीती हूँ ज़्यादातर। और इधर हम एक बार और चला लेंगे सब्जी को, ताकि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए, सब्जी के साथ मिल जाए। तो रही वैसे अपना थोड़ा पानी छोड़ती है, बट गर्मियों के दिनों में उतना ज़्यादा पानी नहीं निकलता है इसमें, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और बस ढक ढक कर इसे कुछ समय के लिए हम पका लेते हैं, और तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। तो चलिए देखिए सब्जी को हम चला ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है, आप चाहें तो इस तरह पानी के साथ ही रख सकते हैं, बट मैं थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि जो चने की दाल है वो अच्छे से पक जाए, उसमें जो फ्लेवर है मसाले का वो सारा उसमें चला जाए। तो दबाकर मैं इसमें चेक कर ले रही हूँ कि पका है या नहीं है। देखिए मैंने हाथों से दबाया तो बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ी देर और पकाने के बाद मैंने इसे देखिए सर्व कर दिया है, निकाल ले रही हूँ मैं रात के लिए। और आप सभी भी सिंपल तरीके से बिल्कुल घरेलू सब्जी है बनाइए और इन्जॉय करिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, साथ ही रेसिपी अगर अच्छी लगी है, तो एक लाइक कर दीजिए ज़रूर। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में एक बेल बटन आता होगा उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ये वेज रेसिपी मैंने शेयर की है, सोचा था कि बाकी का भी मैं रूटीन इसमें ऐड करूंगी, बट वीडियो लेंथी हो जाता है इसलिए मैं और इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जो मेरी व्लॉग है, जो मैं दिन में मैं जो क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको कहा ही है कि मैं सामान वगैरह आपको दिखाने वाली हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, मैं ज़रूर ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलती हूँ, टाटा और बाय अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।